Namaste. Welcome to our YouTube channel Adia Pak Ji. Subscribe our YouTube channel for monthly current affairs and other educational videos and press the bell icon on your screen. So let us start with today's video. स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यापक जी में और अध्यापक जी चैनल के सारे सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फादर ऑफ नेशन के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में, उनसे जुड़े हुए तथ्य के बारे में और कौन कौन से रिलेटेड पॉइंट्स उनसे हैं आपके जुड़े हुए जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी आज इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आपके वीडियो से। तो सबसे पहला आपका है कि आपकी महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और इसके बाद हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि एम के गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर गुजरात में और 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका बॉर्न हुए थे आपके पोरबंदर गुजरात में। और इनका जो रियल नेम था वो क्या था आपका, मोहनदास करमचंद गांधी। देन आपका थर्ड पॉइंट जो है आपका कि टाइटल ऑफ महात्मा जो इनको दिया गया था वो आपका जो बाद में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, जो हमारे नोबेल प्राइज़ विनर रहे थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंगाली पोएट थे, उनके द्वारा जो है महात्मा टाइटल दिया गया था आपका महात्मा गांधी जी को, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। देन उसके बाद है आपका कि फादर का नेम क्या था महात्मा गांधी जी के, तो करमचंद गांधी था। उसके बाद आपका मदर के बारे में बात करें तो उनकी मदर का नाम था पुतलीबाई और उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। देन जो है आपका कि टाइम मैगजीन नेम द महात्मा गांधी पर्सन ऑफ द ईयर 1930, यानी कि जो टाइम मैगजीन आपको पता है आज भी वो आपका एनुअली जो है ईयरली आपका पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती है, यानी कि आपका वो पर्सन जो आपका पूरे सालाना जो है साल भर में आपका हाईलाइट रहा, अहम मुद्दों से जुड़ा हुआ रहा, तो 1930 में जो है आपका डिक्लेयर किया गया था एम के गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 1930 का। उसके बाद आपका है कि द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर गांधी जी बर्थडे 2 अक्टूबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इन 2007, यानी कि आपको पता है कि आपका इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, और यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया था मनाना कब से, 2007 से। तो एग्जाम में जनरली आपसे कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि आपका जो नॉन वायलेंस डे है वो कब मनाया जाता है, तो ये तो आपको पता रहता है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर आपका कब से मनाना स्टार्ट हुआ था, तो 2007 से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबल पीस प्राइज 5 times बट नेवर रिसीव्ड अवार्ड, यानी कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपकी सामान्य कारण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गांधी जी थे उनको 5 बार का जो है नोबल पीस प्राइज के वो नॉमिनेटेड हुए थे पर उन्होंने एक भी बार इस अवार्ड को ग्रहण नहीं किया, नहीं लिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। देन आपका है कि महात्मा गांधी जी मदर टंग वॉज गुजराती, यानी कि उनकी जो मातृभाषा थी वो गुजराती थी, गुजरात में वो पैदा हुए थे। उसके बाद आपका क्या है कि ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम एल्फर्ड हाई स्कूल राजकोट, यानी कि राजकोट के एल्फर्ड हाई स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। देन आपका जो महादेव देसाई है वो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी हुए, यानी कि जब आपका गांधी जी आपका लेटर की हम बात करें तो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो आपके थे महादेव देसाई जी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आपका गांधी जी एंड फेमस ऑथर लियो टॉलस्टॉय इंटरेक्टेड विद ईच अदर थ्रू लेटर्स, यानी कि गांधी जी और ऑथर थे आपके लियो टॉलस्टॉय जो आपके मे बी रशिया के फेमस ऑथर थे, तो उनका जो संपर्क था वो लेटर के थ्रू होता था। और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन है वो मैं बताता हूँ आपको कि गांधी जी इस सेटअप अ स्मॉल कॉलोनी टॉलस्टॉय फार्म, यानी कि टॉलस्टॉय फार्म करके एक कॉलोनी आपकी सेटअप की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने 1100 एकड़ लगभग में, और जो 21 माइल्स दूर थी आपकी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से, उन्होंने अपने जो है आपके मित्रजनों के लिए, यानी कि जो आपका सत्याग्रह स्ट्रगल में आपका पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ये कॉलोनी बनाई थी और जिसको टॉलस्टॉय फार्म नाम दिया गया था। देन आपका कि गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे, तो ये आपका बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कहेंगे इसको, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा पर आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी जी थे उनका जो आपका जन्म हुआ था वो जो दिवस उस दिन था वो शुक्रवार था, और जो हम भारत की आज़ादी के बारे में बात करें तो वो भी आपका शुक्रवार था, और आपका जो है कि गांधी जी की जो देहांत हुआ था तो उस दिन भी आपका शुक्रवार था, तो शुक्रवार जो है आपका इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी आपका हाईलाइटेड डे रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन आपका है कि ही नॉट ओनली फॉट फॉर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो डिमांडेड फेयर ट्रीटमेंट फॉर द अनटचेबल्स लोअर कास्ट एंड ऑल्सो डन सेवरल फास्ट इन सपोर्ट ऑफ देम, ही ऑल्सो कॉल्ड अनटचेबल्स एज हरिजन्स मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि आपका इस पॉइंट में कहा गया है कि जो आपका गांधी जी थे उन्होंने सिर्फ आज़ादी के लिए ही और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लड़ाई न करके एक आपकी कुप्रथाओं के खिलाफ भी लड़ाई करी, जिसमें उन्होंने जो है अनटचेबल्स यानी कि छुआछूत को जो है ख़त्म करने की बात की और लोअर कास्ट को ऊपर करने के, यानी कि लोअर कास्ट के और अपर कास्ट के बीच में जो आपके भेदभाव होते थे उनको ख़त्म करने की कोशिश करी, काफ़ी उन्होंने इसके लिए
सपोर्ट लिया, काफी कार्य किया इसके लिए। और जो आपका अनटचेबल्स को आपका उन्होंने हरिजन्स जो है इन्होंने ही कहा था, यानी कि हरिजन नामक इनकी पत्रिका भी आई थी। और हरिजन जो वर्ड है वो आपका महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है लोअर कास्ट को, इसलिए कि वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड उन्होंने माना था उनको, कि वो आपका जो है कि भगवान के जो है बच्चे हैं, तो इसलिए उनको हरिजन्स नामक एक आपका नाम दिया था आपका लोअर कास्ट को। देन आपका है कि 1930 ही वॉज अ टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1930 में जो है आपका टाइम मैगजीन ने उनको डिक्लेयर किया था मैं पर्सन ऑफ द ईयर। देन आपका है कि सिविल डिसोबीडियंस इज एन एसे बाय एन अमेरिकन राइटर हेनरी डेविड थोरो। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आपके बारे में पता है कि आपका 12 मार्च 1930 को जो है भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका लॉन्च की गई थी आपके एम के गांधी जी द्वारा। और जो आपका एम के जी गांधी जी ने जो आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी, तो कहा जाता है कि अमेरिकन राइटर जो आपका हेनरी डेविड थोरो थे, आपके अमेरिकन राइटर थे, तो इनका एक आपका ऐसे था सिविल डिसोबीडियंस जिसको पढ़कर जो है आपका महात्मा गांधी जी आपका इंस्पायर हुए थे और उन्हें इसको आपका एज अ मूवमेंट आपका भारत में लॉन्च किया। और सिविल शब्द के बारे में बात करें तो सिविल से मतलब है कि आपका ये नागरिकों का एक आंदोलन था, यानी कि सिविल लोगों का एक आंदोलन किया था इनको, ताकि ये कोई राजनीतिक ना होके एक आपका इंसान का जो है आपका उसका एक आपका मूवमेंट हो। तो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी आपकी 12 मार्च 1930 में भी थी, और अमेरिकन राइटर हेनरी डेविड थोरो का ये आपका ऐसे था सिविल डिसोबीडियंस, तो इसको ही पढ़कर महात्मा गांधी जी इंस्पायर हुए थे। देन आपका है कि टोटल हंगर स्ट्राइक डन बाय गांधी जी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टोटल जो गांधी जी ने आपकी भूख हड़ताल की थी वो 17 बार की थी, और जिसमें से सबसे पहली आपकी भूख हड़ताल भी थी आपकी 1918 में, यानी कि 15 मार्च 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा सबसे पहली आपकी भूख हड़ताल की गई थी। और अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 भी इसको कहा जाता है, जो आपका कॉटन मिल्स वर्कर्स के हितों को देखते हुए इन्होंने ये अहमदाबाद में स्ट्राइक की थी, तो जो इनकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। देन आपका है कि द कंट्री अगेंस्ट हुम ही फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस ग्रेट ब्रिटेन रिलीज अ स्टैम्प ऑनरिंग हिम 21 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपका जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिशों का भारत में आधिपत्य था, उन्होंने जो है भारत को कब्जा रखा था, तो जो उनकी लड़ाई थी वो ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी की, तो एक तरह से महात्मा गांधी उस टाइम उनके लिए दुश्मन थे, पर फिर भी महात्मा गांधी जी की छाप इतनी ज़्यादा थी क्योंकि उन्होंने जो है आपका सारे जितने भी उनके आंदोलन रहे उन्होंने नॉन वायलेंस करके जीते, यानी कि आपका दिल जीता उन्होंने लोगों का, तो उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का भी एक तरह से दिल जीता था, ताकि उनके दुश्मन होने के बाद भी जो है उन्होंने 21 साल बाद जो है उनके सम्मान में आपका एक डाक टिकट जारी की, तो ये बहुत बड़ी बात है। देन आपका है कि मोहनदास करमचंद गांधी वॉज नॉट बॉर्न विद द टाइटल ऑफ महात्मा, तो ये वही बताया गया है आपका कि जो महात्मा का टाइटल था वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा इनको दिया गया था। देन आपका है कि महात्मा गांधी फ्यूनरल प्रोसेशन वॉज 8 किलोमीटर्स लॉन्ग, तो आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में आएगा, एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपका 8 किलोमीटर लंबा जो है आपका उनकी जब वो उनका ध्यान पाता तो उनकी जो आपकी शव यात्रा निकली थी वो 8 किलोमीटर लंबी थी, यानी कि बहुत बड़ी बात है इसको उस जमाने में जहाँ टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे 8 किलोमीटर लंबी भीड़ उनके साथ जुड़ी उनके सम्मान में, तो काफ़ी बड़ी बात है। देन आपका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड द गांधी सीरीज बैंक नोट्स बाय डिस्प्लेइंग पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी सिंस इट्स इंट्रोडक्शन 1996, यानी कि पहली बार जो आपका रिजर्व बैंक ने इशू किया था गांधी जी की तस्वीर के साथ नोट जारी करना, तो आपका 1996 में किया था, और 10 और 500 रुपये के नोट पर उस टाइम पर इनकी जो है इमेज आनी शुरू हुई थी। ड्राइव का है कि 1959 गांधी जी मेमोरियल म्यूजियम वॉज स्टेब्लिश, इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मदुराई इन तमिलनाडु, यानी कि आपका 1959 में गांधी जी की आपकी स्मारक के रूप में जो आपका मेमोरियल म्यूजियम आपका स्टेब्लिश किया गया था आपका मदुराई तमिलनाडु में, जहाँ पे आपका जो है उनको गांधी म्यूजियम भी कहा जाता है, और वहाँ पे जो है उनके आपके कपड़े हैं जो आपके खून से सने हुए कपड़े हैं, जब उनका देहांत जिस दिन उनकी हत्या की गई थी निर्मम हत्या, तो उस टाइम जो उनके वस्त्र थे वही खूनी हालत में जो है आपके उनसे खून लगा हुआ है, तो वो आपके उस म्यूजियम में आज भी स्टोर किए गए हैं, और नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या की गई थी। देन आपका है कि इस दिन उनकी हत्या की गई थी आपको 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में की गई थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आपका मोहनदास करमचंद गांधी वॉज असैसिनेटेड इन द गार्डन ऑफ फॉर्मर बिरला हाउस, यानी कि बिरला हाउस जो था आपका उसके गार्डन में इनकी हत्या की गई थी, तो ये आपका बिरला हाउस की इमेज है। और गांधी स्मृति जिसको अब कहा जाता है, तो उसका फॉर्मर नाम बिरला हाउस जो था बिरला भवन भी था, तो इसको अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, इज अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी जी सिचुएटेड ऑन द 30 जनवरी रोड, यानी कि उस रोड का नाम 30 जनवरी रोड रख दिया गया जिसका पहले नाम था अलबकपुर रोड जो आपका न्यू दिल्ली में है इंडिया। इट इज़ द लोकेशन वेयर महात्मा गांधी स्पेंट, यानी कि उन्होंने अपने जीवन के लास्ट 144 दिन यहीं पर काटे थे, और उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। इट वाज ओरिजिनली द हाउस ऑफ द इंडियन बिजनेस टाइकून्स, यानी कि जो असलियत में ये जो हाउस था ये बिरला हाउस, ये जो उस टाइम के इंडियन बिजनेस टाइकून्स थे बिरला फैमिली, उनका ये हाउस था। इट इज़ नाउ ऑल्सो होम टू द एटर्नल गांधी मल्टी मीडिया म्यूजियम,
जो अब होम हो गया है इटरनल गांधी मल्टीमीडिया म्यूजियम का, विच वॉज स्टेब्लिश इन द 2005 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये सब आपके गांधी जी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके कुछ एग्जाम में भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड, जो आपको मैंने बताया, और कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूप में मैंने आपको प्रस्तुत किया इस वीडियो में। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा आपके लिए। अगर फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल अध्यापक जी को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के जय हिंद, धन्यवाद।